राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की शुक्रवार को संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सर्वसम्मति से नेता सदन के रूप में चुन लिया गया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं एनडीए का नेता चुने जाने के बाद मोदी दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इसी दौरान पीएम मोदी ने भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। इसके तहत ही मोदी ने एनडीए की बैठक के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इसी के दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त किया।